हमारी बात चल रही है किस पर, टूर ऑफ आर्मी पर, टूर ऑफ ड्यूटी पर, इसके तहत केवल 3 साल के लिए लाया जाएगा। अब आप कहिएगा कि सर 3 साल में फ़ायदा क्या हो? देखिए मान लीजिए अगर इस साल 1000 लोगों को भर्ती किए, फिर अगले साल 1000 लोग, फिर अगले साल 1000 लोग, 3 साल में हमारे पास कितने हो गए? 3000। अब अगले साल तो जो पहले आए थे वो तो रिटायर होंगे, फिर 3000 आ जाएंगे। तो इस तरह से हमारे पास हमेशा एक रेगुलर आर्मी बनी रहेगी, और ये आर्मी को हमें क्या नहीं देना पड़ेगा? पेंशन भी नहीं देना पड़ेगा। अभी हम पेंशन पे आएंगे, चर्चा करेंगे। अब थोड़ा सा हम आगे समझते हैं टूर ऑफ ड्यूटी में, ध्यान से समझिए इस टूर ऑफ ड्यूटी के बारे में समझिए। ये एक तरह का इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप क्या होता है कि आपको किसी खास काम के लिए और खास फिक्स समय के लिए जब बुलाया जाता है तो उसे इंटर्नशिप कहते हैं। इससे सेना हमेशा जवान रहेगी, यंग रहेगी। जैसे मान लिया कि हमने 1 साल के लिए 1 लाख लोगों को किस में भर्ती किया? टूर ऑफ ड्यूटी में। एक इस साल भर्ती किया, फिर अगले साल 1 लाख को भर्ती कर लेंगे, फिर अगले साल 1 लाख को कर लेंगे, यानी 3 लाख हमारे पास आ गए सब। फिर अगले साल इधर 1 लाख को रिटायर करेंगे तो फिर 1 लाख को भर्ती भी तो कर लेंगे, और जिसको हम रिटायर किए हैं उसको तो पेंशन देना नहीं है कि भैया हम 3 साल ड्यूटी कराए हैं। अब ध्यान से समझिएगा जी, ऐसे करके हमारे पास 3 लाख का स्टॉक बचा, और ये 3 लाख की जो आर्मी है एकदम यंग है, 18 साल के लड़कों को भर्ती करेंगे, 18, 19, 20, 21, तो ये 3 साल का, 18 से 21 साल के लड़कों को शादियों ब्याह नहीं हुआ रहता है, एकदम यंग गर्म खून रहता है। अब बॉर्डर के फ्रंट लाइन पे खड़ा करेंगे ना, देशभक्ति राष्ट्रवाद तो कूट कूट के भरा है, समझ में। अब जैसे कोई परिवार वाला आदमी है, सेना हमारी हर उम्र के जवान बहादुरी से लड़ते हैं, लेकिन जो 40-50 साल एज हो गया उन पे जिम्मेदारियां हैं, उनके बाल बच्चे हैं, वो भी इंसान है, वो भी हमारे लिए लड़ते हैं, तो एक उनके ऊपर जिम्मेदारी है। एक जो नया नया छोड़ा जाता है, इसमें कोई जिम्मेदारी नहीं, ना आगे ना अपना पीछे पगा, गोली चलाया रे तुम हम पे, एक वो चलाएगा हमसे चुरा बम मार देंगे यहाँ पे। तो ये आर्मी को यंग रख सकते हैं। इससे आर्मी को डबल फायदा कि आर्मी हमेशा यंग रह गई, और जो रिटायर हुए उन्हें सैलरी भी नहीं देना है, और आर्मी कम भी तो नहीं होगी ना भैया, हर साल हम एक एक को रखे रहेंगे, हमेशा हमारे पास 3 लाख की एक टूर ऑफ आर्मी की, टूर ऑफ ड्यूटी की फौज पड़ी रहेगी, समझ में आया कि नहीं आया। अब आप कहिएगा कि सर वो जो 3 साल बाद रिटायर कर देंगे और उसको पेंशन भी नहीं देंगे तो लड़का कहाँ जाएगा? तो देखिए भैया, इसमें सेना विचार कर रही है कि हम इस तरह से एंट्री कराएंगे कि जैसे कोई लड़का ग्रेजुएट हो गया है तब आओ भैया 3 साल ड्यूटी करो और जाओ, और सरकार एक नियम बना देगी कि कोई भी एसएससी, रेलवे, बैंक वगैरह, वो इन लड़कों को आरक्षण दे जो मतलब आर्मी की ट्रेनिंग कर ली है। क्यों? क्योंकि इनके अंदर एक डिसिप्लिन आ जाएगा, सेना उनको डिसिप्लिन 9 महीने का ट्रेनिंग देगी। ऐसा नहीं कि टूर ऑफ ड्यूटी आइए आपको टूर करा देते हैं, उठाइए AK-47, ऐसे नहीं, 9 महीने की एकदम कठिन ट्रेनिंग दिया जाएगा उन लोग को। ट्रेनिंग में कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा उनका, 9 महीने का ट्रेनिंग दिया जाएगा, समझ में। आप वो जिस डिपार्टमेंट में जाएंगे एकदम डिसिप्लिन, इतने बजे ऑफिस आना है तो आना है, हर चीज़ एकदम बढ़िया से रहेगा। इससे कि उनको देखकर डिपार्टमेंट के बाकी लोगों में भी एक जज्बा आएगा, और आप खुद देखिए ना, हम लोग, आप हो या हम हो, जब भी कहीं जाते हैं तो बगल में कोई फौजी रहता है तो अपने अंदर से एक आत्मसम्मान का दिल, वो आदमी हाथ उठाकर सैल्यूट नहीं करता है, लेकिन अपने दिल से पूछेगा आदमी, उन्हें दिल से सैल्यूट करता है कि इनके बदौलत हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। तो जहां वो ड्यूटी करने जाएंगे वहां भी लोगों का सेना के प्रति इज्जत बढ़ेगा, और वो भी लोग चाहेंगे कि हम भी अपने नेक्स्ट जनरेशन को सेना में भेज सकें। तो एक आर्मी है, एक काफ़ी अच्छा बैलेंस बना के कर रही है। आखिर आर्मी को ऐसी ज़रूरत क्यों पड़ी? अब आप कहिएगा, यहाँ एक नेगेटिव पॉइंट ये आता है कि अगर हम 3 साल ड्यूटी करा के निकाल देते हैं तो जितने भी आएंगे हमारी सेना यंग तो रहेगी लेकिन एक्सपीरियंस नहीं हो पाएगा। देखिए जवान रहना भी ज़रूरी है, एक्सपीरियंस का भी रहना ज़रूरी है, कहीं कहीं जोश और जुनून काम नहीं आता, एक्सपीरियंस काम आता है। तो इसीलिए आर्मी विचार कर रही है कि हम अपनी आर्मी में 40% 30-40% फौज को टूर ऑफ ड्यूटी के तहत रखेंगे ताकि ये लोग जवान रहें, और बाकी 60% फौज हम फुल परमानेंट सर्विस वाले रखेंगे ताकि इनके पास एक्सपीरियंस रहे। तो आर्मी हर तरह के मैटर पर विचार कर रही है, याद रखिएगा, अभी ये विचार हो रहा है, कंफर्म अभी नहीं हुआ। देखिए अब ध्यान से, ये एक तरह का इंटर्नशिप, इंटर्नशिप उसे कहते हैं जो एक फिक्स टाइम के लिए आपको बुलाया जाता है। इसमें वर्दी भी मिलेगी, खूब बढ़िया भाई, सेना की वर्दी मिलना बहुत बड़ी बात होती है। आपका बढ़िया बढ़िया ब्रांड, जो हजारों रुपए के आप जो ब्रांड पहनते हैं ना, उस ब्रांड की कोई कीमत नहीं है अगर आपके बगल में कोई बंदा वर्दी पहन के इंडियन आर्मी का उस पर लोगो बना हो पहन के खड़ा हो जाए, तो सारा आपका ब्रांड बर्बाद हो गया उस आर्मी के वर्दी के बाद। तो एक वर्दी भी मिलेगी, रैंक भी मिलेगी, सैलरी भी मिलेगी,
क्या नहीं मिलेगा? तो भैया पेंशन नहीं मिलेगी। सारा बवाल तो पेंशन कम करने के लिए हो रहा है, समझ में आया कि नहीं? तो पेंशन नहीं मिलेगा आपको। क्यों पेंशन नहीं मिलेगा? क्योंकि पेंशन देने के लिए कम से कम आपको 17 साल की ड्यूटी करनी रहती है, इसमें तो ओवरऑल 3 साल की ड्यूटी ही है। तो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जो टूर ऑफ आर्मी ड्यूटी के तहत आएगा वो सेना के एडवेंचर को भी देख लेगा, राष्ट्रवाद भी देख लेगा, डिसिप्लिन भी सीख लेगा, स्वास्थ्य मेंटेलिटी हर चीज़ को सुदृढ़ कर लेगा, और दूसरी नौकरी में उसको छूट भी मिलेगा, तो उसका भी करियर खराब नहीं हुआ। देश की सेना भी जवान रह गई और देश का जो पेंशन पे खर्च था वो भी बच गया। आर्मी का जनता से जुड़ाव भी हमेशा रेगुलर बना रहेगा 3 साल पे। अब जैसे क्या होता है कि एक आर्मी गया वो 40 साल ड्यूटी पे रहेगा, तो भैया 40 साल तक आप उसके जगह पे दूसरा भर्ती नहीं ना करेंगे, यहाँ तो हर 3 साल पे ड्यूटी पे भर्ती करना है। तो समझ में आ रहा है? अब आप देखिए जरा ध्यान से, इस इंटर्नशिप पे क्या किया जाएगा? शुरुआत में ऐसा नहीं है कि आप कोई सेना में कोई डिसीजन बड़े पैमाने पर ले सकते हैं। तो आर्मी का कहना है कि पहले हम 1000 जवान और 100 ऑफिसर को भर्ती करेंगे, इसमें 1000 जवान को भर्ती करेंगे, 100 ऑफिसर को, इस पे देखेंगे कि इस पे क्या अभी प्रोसीजर है, क्या इसके रिजल्ट आएंगे। हम आपको अभी इसके फायदे समझाते हैं, अब ध्यान से समझिए इसके फायदे क्या क्या होंगे हमारे। देखिए इसके बेनिफिट समझाते हैं। एक रेगुलर जो जवान होता है ना, हम अभी इसमें ऑफिसर की बातें नहीं कर रहे हैं, हम जवान की बात कर रहे हैं। देखिए ऑफिसर बहुत कम होते हैं, एक कंपनी में लगभग 3 प्लाटून होता है, जैसे 10 जवान का एक सेक्शन होता है और 3 सेक्शन को मिला के एक प्लाटून बनता है, और 3 प्लाटून को मिला देंगे तो एक कंपनी बनती है, और एक कंपनी को कमांड करता है एक ऑफिसर, यानी 90 लोगों की फौज पे एक ऑफिसर हो जाता है, 90 से 120, कभी कभी 4 प्लाटून का भी एक कंपनी बनता है। वो फर्दर वीडियो में हम आपको समझाएंगे कंपनी, प्लाटून, सेक्शन, बटालियन, रेजिमेंट, ब्रिगेड, डिवीजन, इस सब में अंतर कभी समझा देंगे उसमें। तो एक रेगुलर जो जवान होता है उस जवान को पूरा परमानेंट अगर ड्यूटी दीजिएगा तो भर्ती से लेकर उसकी जितनी सैलरी बनती है, अलाउंस बनता है, भत्ते बनते हैं, उसको पेंशन होता है, वो सब मिलाकर अगर जोड़ दीजिएगा तो 11 करोड़ रुपए आते हैं, 11 करोड़। और अगर यही जवान अगर हम टूर ऑफ ड्यूटी के तहत लेते हैं तो 3 साल का है, तो 3 साल में आप उसको कितना अलाउंस दे दीजिएगा, कितना खर्चा कीजिएगा, आप पेंशन का तो बवाल ही नहीं है, तो टोटल 90 लाख खर्च आएगा। तो हम यहाँ कैलकुलेशन ईजी करने के लिए 1 करोड़ लिख दिए, मान के चलिए 1 करोड़ आएगा। तो सोचिए जो रेगुलर जवान है वो 11 करोड़ और जो टूर ऑफ ड्यूटी पे आ रहा है 1 करोड़, यानी एक जवान पर कितना बचेगा हमको, 10 करोड़ बचेगा। दूसरा ये तो पैसा बच ही गया, दूसरा ये जो फुल समय ड्यूटी करेगा, जैसे मान लीजिए अभी हम ही आर्मी में भर्ती हो जाए तो अभी हम अच्छे से ड्यूटी कर सकते हैं, लेकिन 10 साल बाद क्या बुढ़ा जाएगा आदमी, अच्छे से नहीं ना ड्यूटी हो पाएगी, उतने बेहतरीन ढंग से नहीं हो पाएगा जितना कि यंग आदमी कर सकता है। तो इससे डबल फायदा टूर ऑफ ड्यूटी से, एक जवान के पीछे 10 करोड़ बच गया और सेना पूरी तरह जवान है, एकदम यंग है, समझ में आया कि नहीं? तो ये हो गया इससे फायदा। अब देखिए जरा ध्यान से, स्टार्टिंग हम लोग ट्रायल जो करने जा रहे हैं, शुरुआत में हम लोग 1000 सैनिकों को भर्ती करेंगे, तो देखिए बेनिफिट क्या होगा, हम 1000 सैनिकों को भर्ती करने जा रहे हैं, एक सैनिक पर कितना बेनिफिट है, 10 करोड़ का, तो 1000 पर कितना हो जाएगा, उसमें 10 से गुणा कर दीजिए, 10000 करोड़ की बचत आ जाएगी, क्योंकि एक सैनिक पर हमारा बचत हो रहा है 10 करोड़ का, तो 1000 सैनिकों पर बचत कितना हो जाएगा, इसमें 10 से गुणा करेंगे तो 10000 करोड़ का बचत हो जाएगा हम लोग को। अब इस बचत से 10000 करोड़ से हम आधुनिक हथियार खरीद सकते हैं, आर्टिलरी खरीद सकते हैं, हेलीकॉप्टर खरीद सकते हैं। आप खुद सोचिए ना, 126 राफेल जहाज़ों की ज़रूरत थी, आ कितना रहा है, केवल 36, यानी 90 जहाज़ अभी कम आए हैं। और सोचिए हमारे यहाँ पे तो पैसे हथियार पे पैसे कम खर्च होते हैं।